प्लास्टिक टनल में गर्मियों की सब्जियां सर्दियों में उगाकर मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जाती हैं। इस तरीके से सब्जियों की क्वालिटी भी बेहतर होती है और पैदावारी सलाहियत भी बढ़ जाती है। इसमें कारोबार के वसीतर मौके मौजूद हैं और थोड़े से रकबे से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। मुल्क में बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र सब्जियों के रोज़मर्रा इस्तेमाल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। टनल में काश से पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के साथ साथ सारा साल लोगों की सब्जियों की ज़रूरत को भी पूरा किया जा सकता है। आजकल पूरे मुल्क खसूसन पंजाब के वस्ती इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में इसका इस्तेमाल आम हो चुका है। टनल में सब्जियों की बेमौसमी काश्त का रुझान बढ़ रहा है। एक एकड़ में 100x30 फुट साइज़ की 8 टनल लगाई जा सकती हैं। ये टनल तकरीबन 11 फुट ऊंची होनी चाहिए। इस किस्म के टनल में उगाने के लिए सबसे मौजूद सब्जियां खीरा, टमाटर और शिमला मिर्च हैं। इनकी पनीरी सितंबर में तैयार करके अक्टूबर के महीना में टनल में मुंतकिल की जाती है। पौधों को अमूदी तरीके से कम फासले पर लगाया जाता है ताकि पौधों को मुनासिब रोशनी और हवा मुयसर हो। आपाशी का जदीद तरीकाकार ड्रिप सिस्टम लगाकर पानी की कमी को पूरा करने के अलावा ज्यादा नमी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों पर भी काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा टनल में खीरे की दो फसलें पैदा करके आमदन में खातिर खा इजाफा किया जा सकता है। एक एकड़ पर टनल लगाने के लिए 16 लाख का सरमाया चाहिए और इसमें 3 लाख फी एकड़ सालाना मुनाफा कमाया जा सकता है।